हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी पनीर के स्टार्टर, जो दिखने में तो अच्छे हैं ही, टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। एंड आई एम श्योर ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिए मैंने यहाँ पे बॉयल नूडल्स। अब ये ध्यान रखना है हमें कि बॉयल करते टाइम नूडल्स को हमने ब्रेक नहीं करना है, एज इट इज बॉयल कर देना है। बॉयल करने के बाद हमने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा मैदा या थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिसमें अच्छे से हमारे नूडल्स बढ़िया तरीके से कोट हो जाए। मैं यहाँ पे चार ही पनीर के पीस बना रही हूँ, इसलिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ही यहाँ पे मैदा लिया था। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम पनीर लेके उसको रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो उसको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं या किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और पसंद है तो। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में इसको कट किया है। फिर मैंने क्या किया कि एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ी सी शेजवान चटनी ली, मैदा लिया, नमक, काली मिर्च लेके उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है या आपको शेजवान चटनी नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप ले सकते हैं थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, मैदा, नमक, काली मिर्च, और इसी तरीके से मिक्स करके आप अपना नेक्स्ट स्टेप को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे शेजवान चटनी ली, नमक, काली मिर्च, मैदा लेके उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है कि जो पनीर पीसेस को मैंने कट किया था इसमें मैंने अच्छे तरीके से उसको कोट कर लिया है। अब ये इंश्योर करना है हमने कि हमारी सारी पनीर की साइड्स बढ़िया तरीके से इस मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमने नूडल्स लिए थे ना, जिसको हमने बॉयल किया था, अब वो नूडल्स को हमने इसके आसपास अच्छे तरीके से रैप कर देना है। ये तभी आसानी से हो पाएगा अगर हमने नूडल्स को बॉयल करते टाइम ब्रेक नहीं किया होगा। अगर हम नूडल के केक को तोड़ देंगे तो जो नूडल्स होंगे थोड़े छोटे छोटे होंगे और ये स्टेप करने में हमें बहुत समय लगेगा और थोड़ा सा ये स्टेप मुश्किल हो जाएगा। बस इसी तरीके से अब हमने अपने सारे पनीर पीसेस को नूडल्स में अच्छे से रैप कर लेना है। और ये देखिए, अब सारे हमारे पनीर के पीस रेडी हो गए हैं नूडल्स में, बढ़िया तरीके से अच्छे से ये रैप हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैं यहाँ पे पैन में ऑयल ले रही हूँ इसको शैलो फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। अब देख रहे हैं जैसे कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम 1 by 1 पनीर के पीस डाल देंगे और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रहे और बीच में इसको हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे। अब जब हमें लगेगा कि हमारी एक साइड अच्छे से कुक हो गई है तो हम बहुत धीरे से उस साइड को फ्लिप कर देंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी बढ़िया तरीके से इसमें सिक जाए, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे चलाते रहेंगे ताकि पीसेस नीचे से जले नहीं। अब हमारे पनीर के पीस एकदम रेडी हो गए हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो टिश्यू पेपर में इसका ऑयल पहले सोक कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, और ऐसे स्टार्टर्स की जान होती है ग्रीन चटनी, तो उसके साथ इंजॉय करें, टोमेटो केचप के साथ इंजॉय करें, चिली सॉस, जो भी आपको पसंद है। ये स्नैक्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।